गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सर्कल्स में पेयर ऑफ टेंजेंट एंड देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और उनसे जो ट्राइंगल्स बनते हैं उनके एरिया की बात की थी। एक बार कंफर्म करना, हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ लिया क्या? यस और नो? पहले अपन सारे कॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। हमने अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लास्ट, हाँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो अपन ने क्या बोला था, एक तो हमने सबसे पहले जब सर्कल एंड लाइन, लाइन एंड सर्कल जब शुरू किया था तो बोला था कि कोई भी एक लाइन है वो सर्कल पे कॉर्ड कब बनेगी, तो उसका मेथड क्या था कि सर्कल के सेंटर से लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देन दिस लाइन विल बी कॉर्ड। ठीक है, ये तो एक जनरल कॉर्ड की बात की थी। फिर हमने आगे डिस्कस किया कि सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट दे रखा है पी, इस पॉइंट से जो टू टेंजेंट्स बनेंगी इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जॉइन करने वाली कॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये सेकंड कॉर्ड हमने डिस्कस किया। थर्ड कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी एल्फा एंड क्यू बीटा, इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमने सर्कल पे पी एल्फा एंड क्यू बीटा टू पॉइंट्स दे रखे हैं और ये पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में है, अगर हम सर्कल को लेट द सर्कल बी स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो पी एल्फा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब ए कॉस एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा, ऐसे पी बीटा इज ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। ये हमने सर्कल पे टू पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर हमको पी और इसको हमने क्यू बोला है, अगर हमें पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही बताएं तब तो फिर हमें इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म से मिल जाएगी। तो टू पॉइंट फॉर्म से हम लाइन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको अपन को एग्जाम के पर्पस से याद रखना है। और वो लाइन इस तरह से है, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज एक्स कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू is equal to a cos alpha minus beta by 2। हमने कहा कि P and Q दोनों point के coordinates पता है, तो हमें two point form से chord की equation मिल जाएगी, और वो chord की equation इस तरह से आती है x cos alpha plus beta by 2 plus y sin alpha plus beta by 2। तो left side में तो जो sin और cos हैं, उनमें angle alpha plus beta by 2 है जो x और y के coefficient में लिखे हुए हैं, और right side में जो cos लिखा हुआ है उसका एंगल अल्फा माइनस बीटा बाई टू है। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा, और इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल, सर्कल पे दो पॉइंट्स गिवन है, वो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, और इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने वाली जो लाइन है हमें उसकी इक्वेशन चाहिए। तो ये तो हम बोल रहे हैं कॉर्ड, इस पॉइंट को हमने पी अल्फा बोला है, इस वाले पॉइंट को हमने क्यू बीटा बोला है। ठीक है, अब इसी डायग्राम में हम फर्दर एक और पॉइंट डिस्कस कर लें कि अगर हम पी अल्फा और क्यू बीटा पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है, तो पी अल्फा और क्यू बीटा पे टेंजेंट्स जो है वो टी इक्वल टू जीरो वाले मेथड से आ जाएंगे बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही पता है। तो इन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा इज, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस माइनस बीटा बाई टू कॉमा ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये जो हमने पॉइंट लिखा है, पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, ये वाला पॉइंट देखो इस इक्वेशन से थोड़ा रिलेटेड सा लग रहा है, सभी को समझ आ रहा है? तो इस वाले पॉइंट को हमने कहा, अभी तो हमने इस पॉइंट का डेरिवेशन क्या बोला था कि पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू
जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो से आ जाएगी, तो दो लाइंस आ जाएंगे अपने पास। उन दोनों लाइन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो ये पॉइंट आर बन जाता है। ये तो कैलकुलेशन वाला मेथड हो गया। इसका सिंपल मेथड क्या है कि हम अगर रिवर्स जाएं कि पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वन वाई वन एज्यूम कर लें, तो फोर पॉइंट आर लाइन पी क्यू जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बिकॉज आर से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जो पी और क्यू पे टच कर रहा है सर्कल को, और पी और क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज टी इक्वल टू जीरो। जब हमने टी इक्वल टू जीरो अप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस लाइन को और इस लाइन को, क्योंकि ये सेम लाइन्स हैं, कंपेयर करेंगे तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो मैं अब इस चीज को यहाँ साइड में ले देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स वन अपॉन कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू वाई वन अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू। समझ आया? और देखो इससे एक्स और वाई की वैल्यूज, ये वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक्स की वैल्यू ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू, ऐसे वाई का वैल्यू ए कॉस ए साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो हम अगर अपन को ये वाला पॉइंट याद रह जाता है तो गुड, अगर बाय चांस कोई कंफ्यूजन है तो हम ऑलवेज इसी मेथड से बना सकते हैं कि हमने बोला कि पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और हमें पी क्यू लाइन की इक्वेशन पता है, तो फोर पॉइंट आर लाइन पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज टी इक्वल्स टू जीरो। तो हमने ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से फाइंड की है और इस लाइन को और पी क्यू लाइन की जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको हमने कंपेयर कर लिया। ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी एल्फा एंड क्यू बीटा। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से, कोई डाउट किसी को इस पेज में? वाला कौन सा पार्ट? अगर तुम इस पूरे कॉलम की बात करो तो हमने यहां पे बोला कि पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता हैं, इन पे जो टेंजेंट्स बनेंगी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने आर एक्स वन वाई वन ले लिया, तो पॉइंट आर के लिए लाइन पी क्यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाएगी और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो होती है। तो टी इक्वल टू जीरो से जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन को और जो ये लाइन है इस लाइन को, क्योंकि ये अब सेम लाइन्स होगी, दोनों ही पी क्यू लाइन की इक्वेशन है, कोइंसिडेंट लाइन्स होगी, तो कंपेयर कर लिया। कंपेयर करके हमें एक्स वन और वाई वन इस तरह से मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि फाइंड लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ फाइंड लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स पी एल्फा एंड क्यू बीटा ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इफ एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। अगर हम सिचुएशन देखें इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल लास्ट वाला जो डायग्राम था वही था, वही है कि जैसे एक सर्कल गिवन है, सर्कल पे पी एल्फा और क्यू बीटा टू पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट्स का यानी कि पॉइंट आर का टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो पॉइंट आर का लोकस फाइंड करना है, तो आर को हमने एच कॉमा के ले लिया, दिस इज पी अल्फा एंड दिस इज क्यू बीटा। तो अभी जो डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने नोट किए थे ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू, ऐसे ही ये ए साइन एल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई टू। जब कंपेयर और क्वेश्चन ने एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू टू पाई बाई थ्री
बता रखी है। तो हमें जब भी लोकस फाइंड, अल्फा और बीटा ऑब्वियसली पैरामीटर्स हैं, और हमें जब भी लोकस फाइंड करना होता है हमें पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होता है। तो इन दिस केस हमने कंपेयर किया, तो एच का वैल्यू ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू हो गया, एंड अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाई थ्री, देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू हाफ होती है, तो ये बन गया टू ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो देखना वाई कोऑर्डिनेट टू ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू बन जाएगा। अब हमें एच इक्वल्स टू टू ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू पता है, और के इक्वल्स टू टू ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू पता है। अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, एच जो है वो टू ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू है और के इस तरह से है, तो हम इनको स्क्वायर ही एड कर दें, ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर लोकस आ जाएगा। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन ने अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू टू पाई बाई थ्री गिवन था, तो हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। पहले एक बार ये सॉल्यूशन देखो कंप्लीट, पी अल्फा एंड क्यू बीटा पे टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट आर जिसका लोकस फाइंड करना है, आर को एच कॉमा के मान लिया, और लास्ट वाले पेज पे पॉइंट इस वाले पेज पे पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ये वाले, इन्हीं पॉइंट्स को इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमने यूज कर लिया। तो कंपेयर किया x कोऑर्डिनेट को अलग y कोऑर्डिनेट को अलग, तो अपने पास टू इक्वेशंस आ गई। इसमें हमने अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पे 2 पाई बाय 3 और रिप्लेस कर दिया, और फिर अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग करके ऐड कर लिया। नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं। क्योंकि अल्फा और बीटा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हैं, तो टेंजेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आएंगी। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक बार ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं सेकेंड पेज शो करता हूँ। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। ठीक है, एक बार तुम लोग सोचो कैसे कर सकते हो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। तो अब डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये क्वेश्चन पी अल्फा क्यूबिटा वाले से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन ने कहीं पी अल्फा क्यूबिटा की बात ही नहीं करी है। क्वेश्चन ने तो एक सर्कल दिया, ठीक है सर्कल बना लिया। अब क्वेश्चन ने टेंजेंट्स जो बोली हैं, दीज टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे कुछ राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, हमने एक बार तुम लोग और कंफर्म करना कि सर्कल के नॉर्मल की बात कर ली थी, कि सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से पास करता है, ये डिस्कस कर लिया था ना हमने। हाँ यस, तो इन दिस केस अब एक और देखना इस डायग्राम में कि अगर हमने इसकी नॉर्मल्स बनाई तो नॉर्मल्स टेंजेंट के परपेंडिकुलर होंगी, सेंटर से पास करेंगी, ऐसे ये नॉर्मल हो गई, तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, तीन राइट एंगल्स बन गए, तो फोर्थ वन खुद से राइट एंगल बन गया। यहां तक की बात समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट चीज कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, ये समझ आ गया क्या? क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए कंडीशन क्या है,
कि उसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड की जो लेंथ है उनको हम इक्वल कर दें। तो यहाँ पे देखो CP और CQ दोनों इक्वल है, दोनों रेडियस के इक्वल है, या फिर RP और RQ भी इक्वल है, दोनों ही लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल है। तो ये स्क्वायर बन गया। और हमने कहा स्क्वायर भी, स्क्वायर में भी क्या कि जो PR डिस्टेंस है जिसमें R पॉइंट का हमें लोकस चाहिए, तो PR डिस्टेंस इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगोनल इसकी साइड का रूट टू टाइम्स होता है, और साइड इसकी PC है। तो PR डिस्टेंस सेंटर C, PR नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, CR डिस्टेंस, रुको रुको, CR, CR डिस्टेंस जो है वो डायगोनल है, और ये डायगोनल स्क्वायर की साइड का रूट टू टाइम्स होता है। तो CR डिस्टेंस, C वाला पॉइंट इज 0,0, तो CR डिस्टेंस बिकम्स रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और PC डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज स्मॉल a। तो लोकस स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमें अब इस चीज, इस क्वेश्चन से एक और चीज मिल गई, वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले सॉल्यूशन देखो समझ आया गया। और इस सॉल्यूशन में पूरा कुछ इंपॉर्टेंट यही था कि जिस क्वाड्रिलेटरल PCQR की हम बात कर रहे हैं, दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। हाँ, क्योंकि पैरेलल एक और टेंजेंट बनेगा ना दूसरी साइड पे जो पी को कट करेगा। और क्योंकि यहाँ पे तुम बोल रहे हो, हाँ सर, नहीं टेंजेंट्स तो बहुत सारे बनेंगे, ए इज इन दिस केस रेडियस टेंजेंट्स। अब हमने देखो पॉइंट आर का लोकस फाइंड किया है, इसका मतलब कि पॉइंट आर वेरिएबल है, तो पॉइंट आर जैसे जैसे मूव करेगा अलग अलग टेंजेंट्स मिलते जाएंगे, और ए जो है वो इस इक्वेशन की हेल्प से सर्कल का सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज ए। मतलब सर वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं ना दूसरी साइड पे, तो वो आर वापस आ जाएगा मतलब फिर। नहीं जैसे यहाँ पे ये है अभी, मतलब मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, शायद तुम्हें समझ आ जाएगा कि अभी जो हमने ये फाइंड किया है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये जो आंसर है, ये आंसर है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल का। अब ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, अगर हम अब इस पूरे सिचुएशन को ज्योमेट्री से समझें, तो हो क्या रहा है कि एक तो हमें सर्कल गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस a यूनिट था, ठीक है। हमारा जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, इसका सेंटर भी 0,0 है, लेकिन इसका जो रेडियस है वो रूट 2a यूनिट आ रहा है, यानी कि ये जो आंसर आया है, ये वाला जो सर्कल है ये कुछ इस टाइप का बनेगा, सेम सेंटर लेकिन रेडियस जो है वो रूट टू टाइम्स है, कि ये डिस्टेंस रूट टू ए यूनिट है। ये तो हमने अभी फाइंड किया है, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि अगर हम इस बाहर वाले सर्कल पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, कोई सा भी एक पॉइंट कहीं भी, और इस पॉइंट से ये अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कहीं से भी यहां से कर लिया तो परपेंडिकुलर रहेंगी, यहां पे पॉइंट लिया और टेंजेंट्स ड्रॉ की तो भी परपेंडिकुलर रहेंगी इस तरह से। तो इस तरह से जो भी ये तो हमने अभी क्वेश्चन सर्कल के केस में सॉल्व किया है, लेकिन ये एक जनरल कंसेप्ट है, और कंसेप्ट क्या है कि अगर हम कोई से भी कर्व के परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड करें, then that locus is called director circle। definition में लिख रहा हूं director circle की, क्या locus of intersection point of perpendicular tangents of a curve is called डायरेक्टर सर्कल ऑफ दैट कर्व। तो यहां पे मैंने कर्व बोला, यानी कि ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए सेम डेफिनेशन है। अब सेकंड चीज कि हम पर्टिकुलरली सर्कल की बात करें, कि इफ गिवन सर्कल इज एस इक्वल टू जीरो और इसका जो रेडियस है वो लेट्स से आर है,
एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल इज अ कंसेंट्रिक सर्कल. कंसेंट्रिक सर्कल का मीनिंग सेम सेंटर. एंड रेडियस इक्वल्स टू रूट टू आर. एक बार नोट करो, फिर मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्कल के केस में मैंने क्या बोला है, वो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम से समझ आ जाएगा. तो डेफिनेशन तो है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस इन केस ऑफ सर्कल. इफ गिवन सर्कल इज एस इक्वल टू जीरो, देन डायरेक्टर सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल विच इज कंसेंट्रिक टू द गिवन सर्कल. यानी कि गिवन सर्कल का और इसके डायरेक्टर सर्कल का सेंटर तो सेम ही जगह पे होगा. रेडियस की बात करें तो इफ रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज आर, देन रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज आर स्क्वायर, सॉरी रूट टू आर. रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज आर, देन रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज रूट टू आर, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था और अभी नेक्स्ट पेज पे मैं डायग्राम भी बनाऊंगा. लेकिन लास्ट में सबसे जो लिखा है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल इज एस इक्वल टू आर स्क्वायर, कि मतलब गिवन सर्कल इज दिस. नहीं, ये जो कॉर्ड ज्वाइनिंग टी अल्फा एंड क्यू बीटा है, ये हाँ हमने फर्स्ट सॉरी स्टैंडर्ड सर्कल पे ही डिस्कस किया है. तो ये तो अब तक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ना हर्षिल, कि अगर हमें कोई भी रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए पता है, और हमें एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए कन्वर्ट करना है, तो हम बस x के प्लेस पे x माइनस एक्स वन, y के प्लेस पे y माइनस वाई वन और a के प्लेस पे r रख देंगे. यानी कि जो cot थी जो इस वाले सर्कल के लिए x cos alpha plus beta by 2 plus y sin alpha plus beta by 2 is equal to a cos alpha minus beta by 2 थी, तो वो अब इस सर्कल के लिए क्या बन जाएगी, x माइनस एक्स वन cos alpha plus beta by 2 plus y. समझ आ गया? Yes, sir. मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अगर गिवन सर्कल इज एस इक्वल टू जीरो विद रेडियस आर, देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज एस इक्वल टू आर स्क्वायर. ये कैसे बन गया? अगर हम इस लास्ट वाले एग्जांपल को देखें तो लास्ट वाले एग्जांपल में हमने क्या बोला था कि गिवन सर्कल वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसका जो रेडियस है उसको स्मॉल ए लिया था, और जो हमारा फाइनल आंसर आया था डायरेक्टर सर्कल का वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर. इस आंसर को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बोल सकते हैं. तो अगर हम ओनली इस पार्ट को देखें तो ये वाला पार्ट तो एस के इक्वल है और ये रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या बन गया, एस इक्वल टू आर स्क्वायर. तो हम कोई सा भी सर्कल दे रखा है, स्टैंडर्ड हो या जनरल हो या सेंटर रेडियस फॉर्म में हो, कुछ भी हो, ऑलवेज डायरेक्टर सर्कल का आंसर s इक्वल टू आर स्क्वायर बोल सकते हैं. और ये चीज मैं अब थोड़ा प्रॉपरली नोट कर देता हूँ कि पहले तो डायग्राम बना लेते हैं कि सिचुएशन में इस तरह से है कि गिवन सर्कल इज दिस, डायरेक्टर सर्कल इज लाइक दिस, सेम सेंटर. रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज, अगर ये मेजर करेंगे तो दिस इज रूट टू आर, एंड रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज आर. लास्ट साइड अपन ने काफी टाइम दे दिया था, जब नोट कर लो तो बता देना. ठीक है, अगर अब जैसे लेट्स से कि कोई सर्कल गिवन है, find equation of director circle of circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 equals to 0. Batana answer. मतलब जो आंसर आएगा वो x square plus y square minus 4x plus 6y प्लस
के इक्वल टू जीरो, ऐसे कुछ आएगा। तुम्हें चैट बॉक्स में के का वैल्यू लिखना है कितना आ रहा है। कंप्लीट आंसर तो टाइम लगेगा लिखने में, तो ओनली के बता दो। और मेथड क्या है कि इफ गिवन सर्कल इज एस इक्वल टू जीरो देन डायरेक्टर सर्कल इज एस इक्वल टू आर स्क्वायर। आर ने बोला के इक्वल टू माइनस सिक्स, कोई और कंफर्म करो, कुछ अलग आंसर आया तो वो बताओ। और किसी का आंसर आया तो फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें आंसर में s इक्वल टू आर स्क्वायर चाहिए, तो इस सर्कल का रेडियस लिख लो, एंड रेडियस इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस 4 यूनिट आ गया, तो रिक्वायर्ड सर्कल इज s इक्वल टू आर स्क्वायर, और s का मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एज इट इज यूज कर लो। माइनस 19 आएगा। आई थिंक हर्षिल ने स्क्वायरिंग नहीं किया दिखता है, तभी उसका 7 आ रहा है। पर प्लस 7 क्यों आ रहा है, माइनस 7 आना चाहिए था। मैंने सर वो माइनस ही लिया था, प्लस से नहीं किया इसलिए। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ आ गया। और ऑलवेज डायरेक्टर सर्कल फाइंड करने के लिए यही करना है कि s इक्वल टू आर स्क्वायर। जस्ट एक पॉइंट और कि क्वेश्चन जेई के सिलेबस में डायरेक्टर सर्कल वर्ड नहीं है, वर्ड। तो क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में देगा ना तो क्या बोलेगा कि फाइंड लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस इक्वल जीरो। बात समझ आ गई कि डायरेक्टर सर्कल वर्ड यूज करने की जगह ये डायरेक्टर सर्कल की जो डेफिनेशन है वो यूज कर लेगा। और डेफिनेशन अपन लास्ट पेज पे क्या लिखी है, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्कल, तो यही क्वेश्चन में यूज कर लेगा। तो अपन को फिर समझ लेना है कि वो क्वेश्चन डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज एस इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकंड थिंग कि डायरेक्टर सर्कल हमने नाम दिया है डायरेक्टर सर्कल, लेकिन एक्चुअल में ये जो है लोकस जो है जिसके अपन बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सर्कल हो। जब हम सर्कल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल बन जाता है, जब हम पैराबोला की बात करेंगे तो इस केस में डायरेक्टर सर्कल का आंसर यानी कि लोकस का आंसर एक लाइन आती है। इलिप्स एंड हाइपरबोला में अगेन ये सर्कल ही आ जाता है, तो ये सर्कल भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है, बस नाम है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो इन केस ऑफ पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज अ लाइन, वाइल इन केस ऑफ सर्कल इलिप्स एंड हाइपरबोला डायरेक्टर सर्कल इज अ सर्कल। उस लाइन को भी हम डायरेक्टर सर्कल ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, एक कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। पहले सारी कॉर्ड्स की बात कर रहे थे अपन, तो एक और है कॉर्ड, लास्ट कॉर्ड, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। अब सिचुएशन इस तरह से है कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है इसका मतलब कि हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल जाएगा, और एक कॉर्ड है, कॉर्ड की इक्वेशन नहीं पता, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। लेट एम बी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन। ठीक है, और जो सर्कल है उसकी इक्वेशन बता रखी है, तो हमें कॉर्ड ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो देखो ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्या, हमें पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स पता है और सर्कल की इक्वेशन पता है, एम वन एम टू इक्वल्स टू माइनस वन। करेक्ट है कि ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो यही हो जाएगा जो जो पॉइंट एम के अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि एम पॉइंट से ए बी लाइन पास कर रही है, और स्लोप यहां से आ जाएगा। वी नो दैट
सर्कल के सेंटर को जब हम किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो परपेंडिकुलर है सी एम और ए बी, तो सी वाला पॉइंट पता है बिकॉज सर्कल की इक्वेशन पता है, एम वाला पॉइंट क्वेश्चन नहीं बता रखा है, तो सी एम का स्लोप आ गया, सी एम के स्लोप की हेल्प से ए बी का स्लोप आ गया एम वन एम टू माइनस वन करके, और पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हमें ए बी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब वो बात है कि हम आप इसको शॉर्ट मेथड में टी इक्वल टू एस वन यूज करेंगे। मेथड तो यही है जो मैंने भी डिस्कस किया, लेकिन अपन को आगे से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट टी इक्वल टू एस वन ये फॉर्मूला याद रखना है, और टी और एस वन एक्सप्रेशन जो है वो हमने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, टी के लिए क्या चेंज करते हैं और एस वन के लिए क्या चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट इज टी इक्वल टू एस वन प्रोवाइडेड पॉइंट एम लाइज इनसाइड ऑफ सर्कल। तो T equal to S1, तो फिर अपन मतलब T वाला expression या S1 वाला expression हम always find कर सकते हैं, लेकिन T equal to S1 chord के mid point वाले chord की equation तभी बनेगी जब point M circle के अंदर हो, क्योंकि circle के बाहर हो गया तो ये वाला point किसी भी chord का mid point हो ही नहीं सकता। Application क्या कि अगर हमने अभी इस page पे quickly note कर लो, फिर मैं next page करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड सर्कल गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू वाई माइनस 54 इक्वल टू जीरो हूज मिडिल पॉइंट इज 1,4। तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट का इक्वेशन इज टी इक्वल टू एस वन ये अप्लाई करना है। तो टी का एक्सप्रेशन लिखो क्या आएगा 1,4 पॉइंट के लिए, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, टू एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एक्स वन, टू वाई के प्लेस पे वाई प्लस वाई वन, कॉन्स्टेंट एज इट इज। ये तो टी हो गया, एस वन के लिए एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे एक्स वन, वाई के प्लेस पे वाई वन, ये एस वन हो गया। तो सभी को टी एंड एस वन ये क्लियर है। सर यू हैव रिटन पॉइंट एम लाइज इनसाइड द, हाँ नहीं अब जैसे क्वेश्चन है तो ये बोल रखा होगा, तो इस क्वेश्चन है तो ये बोला ही है कि हमें मिड कॉर्ड के इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन अगर ये बोल देता कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस हूज मिडिल पॉइंट इज दिस और कॉर्ड ऑफ सर्कल इफ एग्जिस्ट, ऐसे भी लिखा होता क्वेश्चन में, तो अब फिर हमें चेक करना पड़ता कि ये वाला पॉइंट सर्कल के इनसाइड है कि आउटसाइड है। अगर इनसाइड है तो ही कॉर्ड एग्जिस्ट करेगी, आउटसाइड है तो कॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मान लो पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आ जाता, अभी तो नेगेटिव आएगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बट बाय चांस पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आ जाता तो फिर अपन ये बोलते कि कॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इन दिस केस हमने कैलकुलेशन किया तो ये नंबर तो दोनों साइड से कैंसिल किया, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 1। राइट साइड में आ रहा है 16 10 11 8 17, देयरफॉर इक्वेशन इज 2x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। एक मिनट, ये 19 है तो ये 18 आ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे ही ठीक कर लेना। वी कुड हैव फाउंड इक्वेशन बाय दक्ष, ए फाइंड कैसे करोगे? ए नहीं फाइंड कर पाओगे ना, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो हमें सर्कल का सेंटर मिल जाएगा जो इन दिस केस 3,-1 है, रेडियस मिल जाएगा, और क्वेश्चन है हमें पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं और एम इज 1,4 एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो ए वाला पॉइंट तो नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर हमें टी इक्वल टू एस वन नहीं अप्लाई करना है तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को सी वाला पॉइंट पता है, एम वाला पॉइंट पता है, तो हम सी एम का स्लोप फाइंड करें
मान लो कुछ एम आ गया, तो स्लोप ऑफ ए बी माइनस वन अपॉन एम आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी लाइन पॉइंट एम से पास कर रही है और स्लोप हमें पता है, तो यहां से लाइन ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। ये मेथड अपन लगा सकते हैं, बट हम ऑल्दो ये वाला मेथड सिंपल है बट स्टिल हम t इक्वल टू एस वन प्रेफर करेंगे, बिकॉज t इक्वल टू एस वन कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला तीनों में ही है, तो इसीलिए हम जो ये रिजल्ट्स लिखते हैं ना कि t इक्वल टू जीरो टेंजेंट के लिए या t इक्वल टू जीरो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए या एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए, ये नोटेशन वाले फॉर्म में लिखे ही इसीलिए है कि इनका यूज हम डायरेक्टली पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला चैप्टर में कर लेंगे, वहां पे भी ये इक्वेशन सेम रहती है। दक्ष नोट कर लिया ये जो मैं अभी बोल रहा था, कि जैसे अब एक बार क्विकली बात भी करें, किसे हम पैराबोला यानी कि कोनिक सेक्शन चैप्टर में जब पैराबोला पढ़ेंगे तो पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स ऐसे कुछ है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला एट पॉइंट 1, 2, तो एट पॉइंट बोल रखा है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन को t इक्वल टू जीरो बोलेंगे, यहां जो कॉन्सेप्ट पड़ा है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए t का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखना 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1, समझ आया क्या t वाला एक्सप्रेशन लिखना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हमने सर्कल्स चैप्टर को प्रॉपरली समझ लिया तो कोनिक सेक्शन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने ये पेयर ऑफ ये टेंजेंट की बात की, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन सेम है, कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट का इक्वेशन सेम है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन सेम है, अभी पोल पोलार पढ़ेंगे तो पोल एंड पोलार का इक्वेशन भी सेम है, तो सारा कुछ मैच करता है, बस कर्व की इक्वेशन जैसे चेंज हो गई, ओनली कर्व की इक्वेशन चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मेथड जो है वो हमने सेम अप्लाई किया है। सर यस, कैन यू एक्सप्लेन द इक्वेशन यू हैव लाइक अबव बिलो t इज इक्वल टू h1? फॉर दिस इक्वेशन वी हैव मेड दीस चेंजेस, इन दिस केस जो x1 y1 पॉइंट वाज गिवन दैट 1, 4, तो देखो so sir m doesn't exist right because the answer is less than 0. Pardon sir, m will not exist right because the answer here is less than 0. Point m is given, exist kyun nahi karega? Yes sorry sir, the chord won't exist right? No, chord will, dekho humne ye bola ki chord will not exist if point m lies outside of the circle and point any point point p x1 y1 lies outside of the circle if power of point is positive. In this case hum power of point find karenge for point m, then it is 1 plus 16 minus 6 plus 8 minus 54, samajh aaya power of point find karna ki humne x ke place pe negative it's inside the circle right? Yes okay sir, so in this case chord will exist. अभी तो हमने जो इक्वेशन किया है इसमें इक्वेशन ने एक सर्कल गिवन था, एक कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन था और हमसे इक्वेशन पूछी है, ठीक है। अरे पावर ऑफ पॉइंट एस वन से, एस वन के लिए एक्स एक्स के प्लेस पे एक्स वन, वाई के प्लेस पे वाई वन, यानी कि इन दिस केस एक्स के प्लेस पे 1 एंड वाई के प्लेस पे 4, दीज पॉइंट्स आर एक्स वन कॉमा वाई वन। हाँ मैं करता कि अभी तो क्वेश्चन हमें गिवन था कि हमें कि सर्कल की इक्वेशन प्रोवाइडेड है, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स भी बता रखे हैं और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कॉर्ड की, ठीक है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है एंड कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समझ आई? अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी जब कॉर्ड का बात किया था स्टार्टिंग में, तो ही हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था कि जब भी हमें कोई भी कॉर्ड गिवन है और उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो सेंटर से उस कॉर्ड पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमने बात ऑलरेडी कर लिया, इनफैक्ट
उस टाइम हमने तीन चार केसेस में बात की थी कि अगर सर्कल की टेंजेंट गिवन है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए तो भी सेम मेथड है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे सेंटर से। अगर हमें कोई सर्कल के बाहर लाइन दे रखी है और उस लाइन पे लाई करने वाला वो पॉइंट चाहिए जो सर्कल के नियरेस्ट है, देन अगेन मेथड इज सेम कि दिस पॉइंट से पी इज रिक्वायर्ड पॉइंट एंड पी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन दिस लाइन। तो इन तीनों ही केसेस में ये सेम मेथड लगता है, चाहे तो कॉर्ड का मिड पॉइंट चाहिए या टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए या फिर आउटसाइड लाई करने वाली लाइन का नियरेस्ट पॉइंट टू द सर्कल चाहिए। Here we also have to find C, right? From the equation of the circle. C won't be given from the side, right? We have to find it from the equation of the circle. C क्या है? है क्या C? Center. In which question? We have in this sir, one. In the foot of perpendicular. You were just explaining. In that case, we have to find center from this circle. जो in this case 3,1 है, 3,-1 है, and जैसे अगर अपन चलो एक क्विकली क्वेश्चन कर ही लेते हैं रिवर्स इसका। क्वेश्चन इज कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एंड यही कॉर्ड यूज कर लेते हैं 2x-5y+18=0। दिस कॉर्ड इज ऑन सर्कल x²+y²-6x+2y-54=0। तो करो सॉल्व। सेंटर लिखो सर्कल का एंड आफ्टर दैट मिड पॉइंट इज इक्वल टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन द लाइन। सेंटर इज 3,-1 सर्कल का इक्वेशन का यूज करके। करेक्ट, x=1 और y=4 आ जाएगा बिकॉज लास्ट वाले डेटा यूज किया है, तो यही आंसर आना चाहिए था। समझ आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन लिख दिया, बस मैंने डेटा सेम यूज किया है। तो वी कैन फाइंड मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पोल एंड पोलार। ये सब मैंने नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं। पोल एंड पोलार, ये वाला भी वैसे मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई ने पूछा तो नहीं है कभी, बट वही है कि जेई ने पूछने से मना भी नहीं किया, तो इसलिए मैं बस बता रहा हूं, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, है क्या कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, लेट्स से दैट पॉइंट इज पी x1 y1, वेरिएबल लाइंस आर ड्रॉन टू मीट द सर्कल s=0 एट ए एंड बी, देन locus of point of intersection of tangents at A and B the circle is called polar of point P and P is called pole। अब ये डेफिनेशन है, अब इसका मीनिंग डायग्राम से देखते हैं। सब लोग एक बार डेफिनेशन नोट कर लो, जो लोग नोट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं वो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ के देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। एक तो सर्कल गिवन है और एक कोई भी फिक्स्ड
पॉइंट पी गिवन है, ये दोनों ही फिक्स हैं, सर्कल भी गिवन है और पी भी गिवन है। पी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी, उनमें से कोई सी भी एक लाइन जो है वो इस तरह से है जो सर्कल को ए एंड बी पे कट कर रही है, तो ये वाले ए और बी की हम बात कर रहे हैं। देन लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी, अब हम अगर ए एंड बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स से आर है, इस पॉइंट का लोकस इज कॉल्ड पोलार। अब पॉइंट आर का लोकस क्यों आ रहा है, पॉइंट आर वेरिएबल क्यों है, बिकॉज हमने कहा कि लाइन पी ए भी जो है यही वेरिएबल है, जब हम पॉइंट पी से और कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ए और बी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ए और बी अब कहीं अलग पोजीशन पे हैं, तो फिर उन पे टेंजेंट्स पे कुछ और अलग लाइंस बनेंगी, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी कुछ अलग पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आर एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो लोकस आता है, अभी हम मैथमेटिकली देख लेंगे, ये जो लोकस आता है, ये लोकस सॉल्व करने के बाद एक लाइन आ जाती है, और ऐसे कोई लाइन आ जाती है, ये तो ये जो लाइन है, हम इस लाइन को ही बोल रहे हैं कि दिस लाइन इज पोलार, एंड ये जो पॉइंट पी जो हमने लिया था स्टार्टिंग में फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट पी इज कॉल्ड पोल। तो ये लाइन जो है, ये लोकस वाली जो लाइन है, दिस इज पोलार एंड फिक्स पॉइंट इज पोल। Sir, how is that line going inside the circle? R can never be inside the circle, no? Tangents can be inside the circle. R can never be inside the circle. जब भी हम कोई भी लाइन की, जैसे अब तुमसे ये बोला जाए कि इस कॉर्ड की इक्वेशन बताओ, तुमसे ये बोला जाए कि इस ओनली इस वाले पार्ट की इक्वेशन बताओ और इस वाले पार्ट की नहीं चाहिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनके पार्ट्स की इक्वेशन बता सकते हैं। अगर हमसे ये बोल रहा है या ये बोल रहा है, तो हम ऑलवेज कंप्लीट लाइन की ही इक्वेशन देते हैं, ठीक है। वो वाली बात बिल्कुल सही है कि पॉइंट आर सर्कल के अंदर नहीं होगा, लेकिन अगर लोकस मान लो यही लाइन बन रही है, तो एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका इक्वेशन ये ही लोकस पे आएगी, ये डॉट वाले पॉइंट्स लोकस पे नहीं आएंगे, लेकिन इक्वेशन तो पूरी लाइन की आएगी। समझ आई बात? तो हम लाइक व्हेन वी राइट द इक्वेशन, हाउ विल वी टेल दैट वो डॉटेड पार्ट? नहीं, हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बताना है। ओनली क्वेश्चन अपन से वो पोलार की इक्वेशन पूछेगा, और वो अपन को एक लाइन मिल जाएगी, हमें कंप्लीट लाइन का ही आंसर बताना है। अच्छा, ओके सर। इफ पोल इज px1y1 एंड सर्कल इज s इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ पोलार इज t equal to 0 का हम थर्ड टाइम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम कब किया था? टेंजेंट के लिए। कंडीशन क्या थी? इफ पॉइंट p इज लाइंग ऑन द सर्कल, देन टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज t equal to 0। सेकंड टाइम यूज किया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए। कंडीशन क्या थी? कि इफ पॉइंट p लाइज आउटसाइड द सर्कल, देन दिस लाइन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इक्वेशन इज t equal to 0। एंड थर्ड टाइम हमने यहाँ पे पोलार में यूज किया है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। पॉइंट p सर्कल के बाहर हो सकता है, डायग्राम बना हुआ ही है। पॉइंट p इनसाइड द सर्कल भी हो सकता है। तो अब अगर ये वाला पॉइंट p है, तो इस पॉइंट से कोई सी भी लाइन ड्रॉ की जो सर्कल को a एंड b पे कट कर रही है, तो a एंड b पे ड्रॉन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, उसका लोकस ऐसे कुछ आ जाएगा एक लाइन, देन दिस लोकस इज पोलार, ठीक है। पॉइंट p ऑन द सर्कल भी हो सकता है। पॉइंट p अगर यहाँ पे ऑन द सर्कल है, और हमने इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, तो एक लाइन ये बन जाएगी, और मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा a, और जो पॉइंट p है वही खुद भी हो जाएगा। तो a और b पे ड्रॉन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस जो भी आएगा, वो लोकस पोलार का आंसर हो जाएगा। तो इन दिस केस पॉइंट p इनसाइड आउट, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, पॉइंट p पे कहीं भी लाई कर सकता है।
मैंने ये बोल ही दिया था कि जेई मेंस ने या जेई इनफैक्ट एडवांस ने भी कभी नहीं पूछा ये, दोनों नहीं। तो अगर पूछेगा तो क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलार ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 विद रेस्पेक्ट टू पोल पी 2, 3। बताओ आंसर, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने। टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 25 इक्वल टू 0, करेक्ट है। और ये आंसर फाइंड करने के लिए क्या किया, जस्ट अप्लाई टी इक्वल टू 0। हमें और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है कि क्या है और चीजें, तो सिंपली मतलब कि इनसाइड आउटसाइड कुछ भी नहीं सोचना यहाँ पे। पोल पोलार के लिए ऑल केसेस आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो 2x t इक्वल टू 0 इन दिस केस 2x प्लस 3y इक्वल टू 25 बन जाएगा। और पोल पोलार में इससे ज्यादा मतलब कुछ डिटेल में जाना भी नहीं है। हाँ, एक दो पॉइंट हम और बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे नोट में लिख देता हूँ। लास्ट पेज पे देखो एक बार, सभी ने सारा कुछ नोट कर लिया। For your P is x1, x1, right? Right. P is point x1, y1 and circle is s equal to 0. In this case, x square plus y square equal to 25. नोट में अपन क्या बोल सकते हैं, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है, इनमें भी अपन को इनके डिटेल में नहीं जाना है बिल्कुल भी। और वो रीजन यही है कि अपन जबरदस्ती टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जेई ने पूछा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट कि इफ पोलार ऑफ पॉइंट पी, अरे तो इतनी बात का मीनिंग समझ आ गया, क्योंकि पोलार एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। तो लास्ट पेज पे अपने नोट किया है कि दैट लाइन जो भी लोकस आएगा, दैट लोकस इज पोलार ऑफ पॉइंट पी, जिस फिक्स पॉइंट की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। तो पोलार ऑफ पॉइंट पी, इफ पोलार ऑफ पॉइंट पी पासेस थ्रू पॉइंट क्यू, देन पोलार ऑफ पॉइंट क्यू will always pass through point P. क्वेश्चन ये यूज कैसे होगा, इसका कोई खास क्वेश्चन बनता ही नहीं है, एक्सेप्ट कि क्वेश्चन ने बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और उनमें से एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। तो पोलार ऑफ पॉइंट पी, और इसका डेरिवेशन सिंपल सा ही है वैसे, तो कोई खास बात है नहीं, एक बार देख लो। चलो क्विकली, यूज तो नहीं आएगा कि पॉइंट पी मान लो पी एक्स वन वाई वन है, और पॉइंट क्यू मान लो एक्स टू वाई टू है। तो हम बोल रहे हैं कि और सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ले लिया, तो पॉइंट पी का जो पोलार बनेगा वो यहां लिखता हूं मैं, पोलार ऑफ पॉइंट पी टी इक्वल टू जीरो से आएगा, टी इक्वल टू जीरो प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर आ गई। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू, पास कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि x के प्लेस पे x2 और y के प्लेस पे y2 रख देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। x2 x1 प्लस y2 y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये एक कंडीशन आ गई हमारे पास। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पोलार ऑफ पॉइंट क्यू, तो पोलार ऑफ पॉइंट क्यू लिखा, वो भी टी इक्वल टू जीरो से आएगा, बट वो इक्वेशन एक्स एक्स टू प्लस वाई वाई टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। समझ आया, पोलार ऑफ पॉइंट क्यू इस तरह से आ जाएगा। हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है ये पी एक्स वन वाई वन से पास कर रही है। अगर मैथमेटिकली कोई भी लाइन किसी भी एक पॉइंट से पास कर दे तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये प्रूव करना है। और ये हमने ऑलरेडी बोल रखा है, सीमित रिलेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये ट्रू लिखा हुआ है, यानी कि
ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया. तो इफ पोलर ऑफ पॉइंट पी पासेस थ्रू पॉइंट क्यू देन डेफिनेटली पोलर ऑफ पॉइंट क्यू विल पास थ्रू पॉइंट पी. बट ये जो हमने पूरा डेरिवेशन किया है इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं बनता. क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं बोल सकता कि पोलर ऑफ पॉइंट पी पासेस थ्रू विच पॉइंट, इन्फिनिट पॉइंट से पास कर सकता. तो क्वेश्चन इस पे कभी बनेगा ही नहीं. एक्सेप्ट क्या कि ये ट्रू फॉल्स में या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में स्टेटमेंट ही आ जाए. सो कैन यू शो आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर इज 2x + 3y = 25. इसका लाइंस का फिगर कैसा होगा? लाइंस का फिगर कुछ ऐसा होगा कि पॉइंट पी जैसे अपन यहाँ पे लिया तो पॉइंट पी का जो पोलर है, पॉइंट क्यू फिक्स बाद में कर लेंगे, तो पॉइंट पी का पोलर मान लो ये कोई लाइन बन गई और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट क्यू यहाँ पे है तो पॉइंट पी का पोलर पॉइंट क्यू से पास कर रहा है. तो जब तुम पॉइंट क्यू का पोलर जब फाइंड करोगे ना तो वो ऐसे कुछ लाइन आ जाएगी और ये पॉइंट पी से पास कर रही है ऐसे कुछ. बट अगेन वही वाली बात है ना कि इसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं है एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का. सर तो पोलर मतलब पी का जो पोलर है पोलार जो है वो ऑलवेज लाइन ही होगा. तो ये हमने ये बोला ना ये पी का पोलार है. दिस इज पोलार ऑफ पी विच इज लाइन क्यू का क्या Q को A और B को करेंगे फिर टेंजेंट से निकालेंगे ना P पे आएगा फिर उसका पोलर. मैं तुम्हारा ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब है बट मैं एक बार वापस से बोलता हूँ कि हमने क्या किया. हमें तो क्वेश्चन का मतलब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक सर्कल बताया और एक पॉइंट बताया. तो हमने इस पॉइंट के लिए इस वाले पॉइंट का नाम P है. इस पॉइंट के लिए पोलर की इक्वेशन फाइंड कर ली और वो मान लेते कि पोलर ये लाइन आ गई. तो हम बोल रहे हैं कि दिस लाइन इज पोलर ऑफ पी. स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ पोलर ऑफ पी पासेस थ्रू क्यू, यानी कि ऐसे सिचुएशन गिवन है ऑलरेडी कि क्यू वाला पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है. तो फिर अब हम ये पी और पोलर को भूल जाएं तो हमारे पास एक अलग से डायग्राम क्या बन गया. ये सर्कल है और ये क्यू वाला पॉइंट है. अगर हम क्यू वाले पॉइंट का पोलर फाइंड करें तो वो पोलर भी अगेन कोई लाइन आ जाएगी. वो लाइन ऐसे कुछ आएगी. तो जब हम इन दोनों डायग्राम को कंबाइन करते हैं तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि दिस लाइन इज पोलर ऑफ क्यू, ये लाइन को अगर हम पहले वाले डायग्राम में बना दें तो वो लाइन इस तरह से बन जाती है कि दिस लाइन इज पोलर ऑफ क्यू. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग फिक्स क्या होता है कि इफ पोलर ऑफ पी इज पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू देन पोलर ऑफ क्यू विल पास थ्रू पॉइंट पी. नेक्स्ट पॉइंट अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से. वैसे तो ये चीज देखो हमने मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ जस्ट कि हमने ये बोला कि टी इक्वल टू जीरो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी है और टी इक्वल टू जीरो पोलर भी है. यानी कि जब सर्कल इस तरह से गिवन है एंड पॉइंट सर्कल के बाहर है तो फिर इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करें या पोलर फाइंड करें सेम लाइन्स आएंगी. ये सेम लाइंस आती है. इससे सिंस हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है कि अगर हम ये सेंटर बोल रहे हैं ये पॉइंट पी है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पीसी लाइन के परपेंडिकुलर होता है. तो यानी कि पोलर भी ऑलवेज पीसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा और पीसी लाइन का मतलब पी तो पोल है और सी सेंटर है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन लिख रहे हैं कि पोलर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग पी यानी कि पोल एंड सेंटर ऑफ सर्कल. एंड थर्ड में पहले डायग्राम बना देता हूं. ये सर्कल गिवन है, ये पी गिवन है, पोल है या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है एक ही बात है
सॉरी पोलार, ये सेंटर है। तो पॉइंट नंबर टू का डायग्राम तो ये है, ठीक है। और पॉइंट नंबर थ्री में क्या है कि अगर हमने इस इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को M बोल दिया तो प्रॉपर्टी है कि सी एम डिस्टेंस और सी पी डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और एक बार सोचो कि इस चीज को डेराइव कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैथ्स जो पॉइंट है वो देखो, वो समझ आ गया कि क्या बोल रहा है कि हमने P को तो पोल लिया, C को सेंटर लिया और ये लाइन पोलार है। पोलार पे पॉइंट P से या C से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट है वो M है, ठीक है। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट भी हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर ए बी है तो। स्टेटमेंट इज कि सी एम इंटू सी पी का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों डिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू आर स्क्वायर आता है। तो इसको प्रूव करने का मेथड क्या होगा? मेथड यही कि हम पोलार की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पी पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है, तो सी पी डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आ जाएगी। लेकिन जो पी एम डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो सी एम डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो हमने कई बार फाइंड किया हुआ है वहां से आ जाएगा। तो स्मॉल पी मिल जाएगा और पी सी डिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करने के बाद आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट रिवाइज करें तो क्या था वो कंसेप्ट? सर ये प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस की हो सकती है जो आपने लिखा है? नहीं, वो वाला प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो तो ये प्रॉपर्टी है, कि पॉइंट पी से दो, यहां पे सेंटर का कोई रोल ही नहीं है इस प्रॉपर्टी में। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और अगर पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है तो दिस इज फर्दर इक्वल टू पी टी इंटू पी टी। यहां सेंटर का रोल नहीं है, इन दिस केस सेंटर का रोल है। फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट क्या था? कि कोई भी दो लाइंस गिवन है, L1 equal to 0, L2 equal to 0, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली कोई भी लाइन, we can write it as L1 plus K L2 equal to 0. तो सेम कंसेप्ट अब यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल्स का है। फैमिली सर्कल के लिए एक सर्कल गिवन है S1 equal to 0, एक सर्कल गिवन है S2 equal to 0. तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों से पास करने वाला एनी सर्कल कैन बी रिटन एज, ये वाला जो सर्कल है we can write it as S1 plus K S2 equal to 0, ठीक है। अभी तो दोनों ही सर्कल की इक्वेशंस गिवन है, बट इफ वन सर्कल इज गिवन एंड वन लाइन इज गिवन, लेट्स से इक्वेशन ऑफ सर्कल इज S equal to 0, इक्वेशन ऑफ लाइन इज L equal to 0, तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू कर्व्स, एक सर्कल एक लाइन, जो यानी कि ये वाला सर्कल की अपन बात कर रहे हैं, this equation we can write it as s plus k l equal to 0. यहां तो दोनों ही सर्कल्स थे, यहां पे एक सर्कल और एक लाइन है, ठीक है। जो ये फर्स्ट वाला केस है, ये वाला केस, इसमें सर्कल की इक्वेशन है दोनों, तो ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, S plus KL equal to 0 करके। लेकिन कैसे? कि अगर हमें दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है ना, हम अभी नेक्स्ट क्लास में रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है जो कैलकुलेशन वाइज बहुत चीजों को सिंपल कर देता है। क्या है कंसेप्ट? कि जैसे ये दो सर्कल्स गिवन है, तो इन ये दोनों सर्कल्स जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कट कर रहे हैं, तो ये जो ए बी लाइन है या ए बी कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड होगी। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वी कैन फाइंड इट एज एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। जैसे सर्कल्स आर लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर एक्स टू वाई
कुछ भी ले लिया मैंने, एंड सेकेंड वाला सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एट वाई माइनस वन, ऐसे कुछ है ठीक है। तो और हमें इन दोनों सर्कल्स की, मान लो कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, तो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड चाहिए, तो जस्ट डिफरेंस लो इनका, तो ये एस वन है और ये एस टू है, तो जब डिफरेंस लिया तो माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री। तो देखो लाइन आ गई, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये यही वाली लाइन है जो इनकी कॉमन कॉर्ड है ठीक है। तो ये इसका यूज करके भी हम फैमिली ऑफ सर्कल्स के सिचुएशन को थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। तो एक बार मैं लास्ट पेज पे इनको एक बार प्रॉपरली लिख देता हूं। तो इन दिस केस फर्स्ट पॉइंट, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स एस वन इक्वल टू जीरो एंड एस टू इक्वल टू जीरो इज एस वन प्लस के एस टू इक्वल टू जीरो। एंड डायग्राम कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट सर्कल इज दिस, सेकेंड सर्कल इज दिस, एंड इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल इज लाइक दिस ठीक है। एंड दिस सर्कल वी कैन रिटर्न, वी कैन राइट इट एज एस वन प्लस के एस टू इक्वल टू जीरो। यहां पे फैमिली ऑफ लाइंस की तरह के इज एनी रियल नंबर ठीक है, अपन बाद में भी नोट कर लेंगे, अभी भी नोट करता हूं कि ए बी जो कॉमन कॉर्ड है इसका इक्वेशन इज एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। इसका यूज कैसे करेंगे वो पॉइंट नंबर टू में आ जाएगा, बट ए बी यानी कि दोनों सर्कल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड विच इज कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल्स इज एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। पॉइंट नंबर टू, लास्ट पेज पे इस तरह से है, इफ टू सर्कल्स आर गिवन देन फैमिली ऑफ सर्कल्स इज एस वन प्लस ए एस टू इक्वल टू जीरो। इफ वन सर्कल एंड वन लाइन इज गिवन देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इज एस प्लस के एल इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब हम आगे से ऑलवेज फैमिली ऑफ सर्कल्स में एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो ही यूज करेंगे, यानी कि एक सर्कल एक लाइन, बिकॉज ऐसा करने से कैलकुलेशन सिंपल होती है बजाय एस वन प्लस के एस टू इक्वल टू जीरो से। लेकिन अगर दो सर्कल्स गिवन है तो हमने भी क्या बताया कि इफ टू सर्कल्स आर गिवन, ये दो सर्कल्स गिवन है तो फर्स्ट स्टेप बाई यूजिंग एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो हम ये लाइन फाइंड कर लेंगे। ये लाइन फाइंड कर ले तो अब इस डायग्राम में जो सेकंड वाला सर्कल है उसको हटा दो, मतलब एक्चुअली हमें चाहिए क्या था, हमें तो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल चाहिए, यानी कि ऐसा कोई सर्कल चाहिए, ब्लू वाला जो सर्कल है वो चाहिए ठीक है। अब हमने क्या किया कि सिंस हमने रेड लाइन यानी कि एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से जो लाइन आ रही है उसको फाइंड कर लिया, तो हम अब सेकेंड सर्कल को हटा देते हैं। तो अभी भी जो सर्कल बन रहा है वो यही वाला जो ब्लू कलर का सर्कल है, ये वाला सर्कल चाहिए मन को, एंड ये सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन हम एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो करके लिख सकते हैं ठीक है। सो कैन यू प्लीज टेल व्हाट यू हैव रिटन इन द लाइन फॉर कॉमन कॉर्ड, आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई इट। ये थोड़ा मैं क्लियरली लिख दूं, दिस इज कॉमन कॉर्ड एंड इक्वेशन इज एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, कॉमन कॉर्ड पासेस थ्रू ऑल सर्कल्स। यस,
ऑल फैमिली ऑफ सर्कल से पास करेगी बिकॉज ऑल फैमिली ऑफ सर्कल्स आर पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी. तो ये जो कॉमन कॉर्ड है ये सारे के सारे सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड है. क्लियर है अभी? थर्ड पॉइंट इन फैमिली ऑफ सर्कल्स इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स पी विच इज एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू कैन बी रिटर्न एज एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो. अगेन हमने एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो लिखा है, लेकिन लास्ट वाले में यानी कि पॉइंट नंबर टू में तो हमें क्वेश्चन ने बता रखा था कि सर्कल क्या है और लाइन क्या है, लेकिन इन दिस केस तो पॉइंट बता रखे हैं. तो फिर सर्कल लाइन का यूज करेंगे. तो हम आगे नोट कर रहे हैं इसमें, वेयर सर्कल एस इज एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो. समझ आ गया कौन सा सर्कल है ये? इक्वेशन का यहाँ पे यूज देखो, कौन सी पर्टिकुलर इक्वेशंस हमने यूज किए हैं. हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला है सिद्धांत ने कि ये जो सर्कल हमने यूज किया है ये डायमेट्रिक फॉर्म वाला सर्कल है कि P एंड Q को डायमीटर के एंड पॉइंट्स लेके जो सर्कल बनेगा वो है. तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट इस तरह से था कि हमें कोई से भी टू फिक्स पॉइंट्स गिवन थे कि हमें इनसे पास करने वाली फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन चाहिए. हमने क्या हमने क्या किया, पहले तो इनसे पास करने वाला वो सर्कल फाइंड कर लिया जिसके लिए ये पी क्यू डायमेट्रिक एक्सट्रीमिटीज है. यानी कि इस फिक्स सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है. उसके बाद पी और क्यू को जॉइन करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली. ये देखो ये जो एल लाइन लिखी हुई है ये लाइन पी क्यू लाइन की इक्वेशन ही लिखी हुई है, ठीक है. और इसके बाद हमें पॉइंट सर्कल मिल गया और लाइन मिल गई. तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है जो पी और क्यू से पास करेगा उसकी इक्वेशन वी कैन राइट इट एज एस वन प्लस के एल इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो अगर हमें टू पॉइंट्स गिवन है, देखो जनरली जैसे अब क्वेश्चन क्या होता है, अपन स्टार्टिंग में भी किया था कि एक बार मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, फिर वापस नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ. स्टार्टिंग में भी हमने किया था कि पॉइंट पी पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर तीन पॉइंट्स गिवन है. इन तीन पॉइंट्स के से जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के सरकम सर्कल की इक्वेशन बताओ, ठीक है, या फिर थ्री पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ. तो हमने मेथड क्या लिया था कि सर्कल को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई सी अज्यूम किया. ये सर्कल पॉइंट पी से पास कर रहा है इक्वेशन नंबर वन, पॉइंट क्यू से पास कर रहा है इक्वेशन नंबर टू, पॉइंट आर से पास कर रहा है इक्वेशन नंबर थ्री. जीएफसी में थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स, फाइंड जीएफसी और यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा. ये मेथड हमने पहले यूज किया हुआ है, ठीक है. अभी अपन क्या कर सकते हैं, जब अपन ने फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ लिया तो अपन क्या करेंगे कि जो थ्री पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर इनमें से कोई से भी दो पॉइंट्स को लिया और पी और क्यू को ले लिया तो पी क्यू का डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल ये फाइंड किया. पहले तो लाइन पी क्यू की इक्वेशन फाइंड कर ली, फिर रिक्वायर्ड सर्कल को एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो बोल दिया. तो अभी तक के नहीं पता अपन को, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि अभी तक अपन ने पॉइंट आर का यूज नहीं किया है. तो दिस सर्कल पासेस थ्रू आर, तो R की वैल्यू पुट करके हमें K का आंसर आ जाएगा. K का एक फिक्स आंसर आ जाएगा तो सर्कल की फिक्स इक्वेशन मिल जाएगी. इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन ना, बिल्कुल करेक्ट बात है. अगर ये बोला जाए कि एक पॉइंट से कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, दो पॉइंट से कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं अगर ओनली टू पॉइंट्स आर गिवन. ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है ये इनफाइनाइट सर्कल्स ही तो है कि इन दोनों पॉइंट से एक सर्कल तो ये हो जाएगा पास करने वाला सर्कल, एक ये हो जाएगा,
एक ऐसे हो जाएगा. इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स. ठीक है, तो इन दिस केस हमने बोला कि इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, तो उन दोनों पॉइंट से डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल लिख लेंगे जो इजीली आ जाता है. इन दोनों पॉइंट से पास करके लाइन लिख लेंगे और रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल इज एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो. एंड लास्ट पॉइंट इन केस ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इज पॉइंट नंबर फोर, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन एल इक्वल टू जीरो एट पॉइंट x1 y1 can be written as, and this again is s plus kl equal to zero. तो हम s plus kl equal to zero का use कर रहे हैं बार बार, but in this case line तो चलो question ने बता दी, circle क्या है? Circle है यहां पे point circle. पॉइंट सर्कल क्या, जिसका रेडियस जीरो बन जाए. देखो ये हमने P वाले पॉइंट को सेंटर लेके जो सर्कल लिखा है जिसका रेडियस जीरो है वो ये लिखा हुआ है. ठीक है, और हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि हमें एक लाइन गिवन है और एक लाइन पे ही पॉइंट गिवन है. इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल की फैमिली की इक्वेशन दिस इज एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो एंड दिस पॉइंट इज पी. एक बार इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो क्लियर होगा कि मेथड में करना क्या है. तो एक बार मैं अभी क्वेश्चंस लिखता हूं. एक बार देखो लास्ट पेज पे या इस पेज पे कुछ चीज नोट करनी है किसी को. और एक और चीज कि हमने पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फोर तीनों में ही एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो लिखा है फैमिली ऑफ सर्कल्स में. और पॉइंट नंबर वन में जिसमें हमने एस वन प्लस के एस टू इक्वल टू जीरो लिखा है उसमें हमने ये समझ लिया कि वी कैन easily solve s plus kl equal to 0 by, sorry, s1 plus ks2 equal to 0 by s plus kl equal to 0. Sir, so in the second point, jo line aap baat kar rahe ho, that is the common chord. Second point mein jo line hai, common chord hai. चलो एक बार अपन एग्जांपल लेते हैं फिर थोड़ा और एप्लीकेशन समझ आएगा. हाँ बिल्कुल, मैं वही वही एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें इन ईच एंड एवरी कंडीशन एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो का यूज कैसे करना है. तो उसके लिए फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट of circles x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 equal to 0 whose center lies on line 2x plus y equals to 1. ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन देखना. कोई क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है और सॉल्यूशन क्या है. सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल. तो हम बोल देंगे कि लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी s1 plus ks2 equal to 0. अगर हम डायरेक्टली s1 plus ks2 लगा रहे हैं, s plus kl नहीं लगा रहे हैं, तो ये मेथड वन है. तो इस केस में s1 का मतलब है x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 plus k times x square plus y square minus 10x minus 12y plus 14. तो ये क्या थोड़ा सा बस लेंथी सा दिखता है, ये बन गया सर्कल. ठीक है, अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सेंटर जो है वो 2x plus y equal to 1 लाइन पे लाया करता है. तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ दिस सर्कल,
सेंटर तुम लोग बता सकते हो क्या? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 माइनस जी, तो सही बात है कि जनरल सर्कल का है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस तो 1 + 5k / 1 + k है। देखो ये समझ आएगा, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट 2 + 6k / 1 + k है। कैसे कि देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx + 2fy + c के सेंटर की बात करें तो वो माइनस जी माइनस एफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4x² + 4y² + 2gx + 2fy + c, तो पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, अभी सेंटर माइनस जी वाई फोर माइनस एफ वाई फोर बन जाएगा। और सेंटर हमने फिर बोला क्या कि जो भी एक्स और वाई के कोफिशियंट्स हैं उनका बाई टू करना है और साइन को चेंज कर देना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन टू विद अपोजिट साइन। तो इन दिस केस हमने ये जो इक्वेशन लिख रखी है, ये वाली इक्वेशन, इसमें देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 + k, समझ आ रहे हैं? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 + k, समझ आ रहे हैं? और सेम कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर भी 1 + k है। तो फर्स्ट स्टेप तो है कि हमें 1 + k से डिवाइड करना होगा। सिंस 1 + k से डिवाइड करना है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 1 + k आ रहा है, एक बात तो ये हो गई। न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर के लिए तुम लोग देखो कि x का जो कोफिशियंट है वो क्या आ रहा है, x एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन में k भी है, तो कोफिशियंट ऑफ x इज -2 - 10k आ रहा है, कोफिशियंट ऑफ x -2 - 10k आ रहा है। तो हमने कहा कि हमें सेंटर जब लिखना होता है तो कोफिशियंट ऑफ x अपॉन 2 विद अपोजिट साइन। तो अभी देखना ये 1 + 5k, समझ आ गया क्या? कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन। तो अभी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्लियर है। एक तो हमने 1 + k से डिवाइड किया है बिकॉज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे 1 + k बन रहा है। एंड सेकंड केस, सेकंड चीज कि कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सिमिलरली कोफिशियंट ऑफ वाई अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो सेम मेथड से अपन ने वाई कोऑर्डिनेट भी लिखा है। चलो अब ये सेंटर आ गया और ये सेंटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ कैलकुलेशन की, एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट पेज, तो x कोऑर्डिनेट आया था 1 + 5k / 1 + k एंड y कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट कितना था 2 + 6k / 1 + k। तो ये हमने 2x + y = 1 लाइन पे लाई करा दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 + 10k + 2 + 6k = 1 + k, 10 6 = 15k = 2 + 2, यानी कि -3। तो k का वैल्यू -1/5 आ गया और जो हमने s1 + k s2 लिया था वो था x² + y² - 2x - 4y - 4 - 1/5 x² + y² - 10x - 12y + 40। और ये पूरा मेथड बस यही एक्सप्लेन करने के लिए कि जब हम s1 + k s2 लेते हैं तो सिचुएशन थोड़ी लेंदी हो जाती है। 5 से मल्टीप्लाई किया और सिंपलीफाई किया तो ये बन गया 5 - 1 = 4x² + 4y² - 8x। ये सारा सिर्फ मैनिपुलेशन है। तो हमने एक बार पूरा मेथड वापस से देखना कि
रिक्वायर्ड सर्कल को कहा गया, रिक्वायर्ड सर्कल को एस वन प्लस के एस टू इक्वल टू जीरो लिया, फिर ये एस वन प्लस के एस टू का एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर इसका सेंटर फाइंड किया, जिसमें अपन को ध्यान रखना है कि जब भी तुम एस वन प्लस के एस टू इक्वल टू जीरो लिखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी वन प्लस के, तो वन प्लस के से डिवाइड करना है, एंड आफ्टर दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन टू विद नेगेटिव साइन कॉमा कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन टू विद नेगेटिव साइन सेंटर हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि ये सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया, सिंप्लीफाई करके के का आंसर आ गया। ये जो k का आंसर माइनस वन अपॉन फाइव आया है, ये k का आंसर हमने यहां पे पुट किया है। इस k को पुट करने के बाद सर्कल की इक्वेशन इस तरह से आ गई, फाइव से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया तो फाइनल आंसर इस तरह से आ गया। ठीक है, ये तो है सिचुएशन मेथड नंबर वन, जब हमने एस वन प्लस के एस टू इक्वल टू जीरो का यूज किया है। मेथड टू, हम पहले एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से कॉमन कॉर्ड फाइंड कर लें, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो एक सर्कल तो ये वाला था और एक सर्कल ये वाला था, तो देना इन दोनों का डिफरेंस 2x माइनस 10x यानी कि 8x माइनस 4 माइनस 12 यानी कि 8y एंड माइनस 4 माइनस 44 माइनस 44 ये बन रहा है 2x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू जीरो। ये कॉमन कॉर्ड यानी कि लाइन बन गई। सर्कल्स जो टू सर्कल्स गिवन है उनमें से कोई सा भी एक सर्कल ले लो, तो फर्स्ट वाला ले लिया और अब बोल देंगे कि रिक्वायर्ड सर्कल इज एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर प्लस के टाइम्स टू एक्स प्लस टू वाई माइनस इलेवन इक्वल्स टू जीरो। अभी तुम लोग मुझे इन टर्म्स ऑफ के इस सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो? ये जो कंप्लीट इक्वेशन है ये एक सर्कल है, तो इन टर्म्स ऑफ के एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, माइनस टू प्लस टू के बाई टू भी तो करेंगे, और तुमने तो अभी सिंपली कोफिशिएंट ऑफ एक्स बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो माइनस टू प्लस टू के आ रहा है, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट देखना वन माइनस के, समझ आ गया क्या? कोफिशिएंट ऑफ वाई जब चेक करोगे तो माइनस फोर प्लस टू के आ रहा है, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन टू विद नेगेटिव साइन, करेक्ट, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट इज टू माइनस के। तो हमने सेंटर लिखा, दिस पॉइंट लाइज ऑन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, पुट किया तो ये हो गया टू माइनस टू के प्लस टू माइनस के इक्वल टू वन, तो के का वैल्यू थ्री के इक्वल्स टू थ्री, वन आ रहा है, के का वैल्यू वन आ गया, तो रिक्वायर्ड सर्कल, अब हम यहां पे इस के को बस वन रख दें, तो रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर प्लस वन टाइम्स टू एक्स प्लस टू वाई माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, थोड़ा स्पेस यहाँ पे नहीं है, बट मेथड टू जो है वो मेथड वन के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल ही रहेगा। तो हमने क्वेश्चन में हमें टू सर्कल्स गिवन थे, बट हमने एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन यानी कि लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, फिर जो टू सर्कल्स गिवन थे उनमें से कोई सा भी एक सर्कल ले लिया एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स को एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो बोल दिया। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो। तो आज की क्लास में अपन ऐसा करते हैं, यहां तक ही रखते हैं,
और अभी तो आज जो अपन ने पढ़ा है उसमें देखो कोई किसी को डाउट पूछना है तो फर्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा डिस्कस किया था, सेकंड कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ पोल एंड पोलार, एंड फोर्थ फैमिली ऑफ सर्कल्स. फैमिली ऑफ सर्कल्स में भी क्वेश्चंस मतलब थ्योरी वाइज तो कंप्लीट है, क्वेश्चंस में कराऊंगा भी नेक्स्ट क्लास में और, बट थ्योरी वाइज कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है? सर कैन यू गो टू द सेकंड पॉइंट जो था फैमिली ऑफ सर्कल्स में? यस हाँ सर, वहाँ पे सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में मतलब ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं ना, सिर्फ सेकंड पॉइंट में नहीं है, नहीं सेम ही है, मतलब बस इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसमें डिफरेंस है. सेकंड पॉइंट में तो हमें डायरेक्टली ही एस और एल की इक्वेशंस बता दी, यस क्लास इज ओवर यू कैन लीव. और थर्ड पॉइंट में हमने हमें क्वेश्चन ने पॉइंट पी और पॉइंट क्यू बताए हैं, उनसे हमने सर्कल और लाइन फाइंड कर लिया. अच्छा ओके सर, सो कैन एंड कैन वी से एस प्लस केएल इज इक्वल टू एस वन प्लस के एस टू? इक्वल्स टू तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि दोनों में के डिफरेंट आएंगे, जैसे हमने भी सॉल्व भी किया है तो एस प्लस के एल वाले मेथड से के का वैल्यू जो है यहाँ पे वन आया है, और एस वन प्लस के एस टू वाले मेथड से के का वैल्यू माइनस वन अपॉन फाइव आया है, लेकिन फाइनल आंसर विल बी सेम. सर मतलब इक्वेशन बोल रहे हो ना, मतलब के का वैल्यू दोनों में पुट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगा सर्कल का वो सेम आएगा. सर तो देन वी कैन इक्वेट? नहीं 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 भाई, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि S1 plus KS2 और S1 plus KL तो इनको हम इक्वेट नहीं कर सकते, या तो यूं बोलो कि S1 plus K1S2 and S1 plus K2L, समझ आई बात? Yes, yes. Constant सा लगेगा. अच्छा, but total equation सेम आएगा. हाँ. Okay, sure. सेंटर के लिए हमने ये बोला था कि एक बार मैं सेंटर बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई भी एक सिचुएशन में फैमिली ऑफ सर्कल में ऐसे बना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन प्लस के टाइम्स टू एक्स प्लस एट वाई माइनस टू, तो इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स लिखो. तो कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक्स वाली टर्म्स एक तो ये है और एक ये है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स आ रहा है माइनस फोर प्लस टू के. ऐसे ही हमने कोफिशियंट ऑफ वाई लिखा, तो कोफिशिएंट ऑफ y में एक तो ये टर्म आएगी और एक ये टर्म आएगी, तो कोफिशिएंट ऑफ y आ रहा है 6 plus 8k. एंड सेंटर जो होता है, इफ कोफिशिएंट ऑफ x square and y square are already 1, जो इन दिस केस है 1 है, यहां तो x square y square कहीं आ ही नहीं रहा इस साइड में, तो सेंटर होता है माइनस g माइनस f का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2. इस मेथड से गए तो कोफिशिएंट ऑफ x इज दिस, ठीक है, ऐसे अपन ने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. सर बट वो कोफिशिएंट ऑफ x / 2 और कोफिशिएंट ऑफ y / 2 का, कोफिशिएंट ऑफ x / 2 और कोफिशिएंट ऑफ y / 2 क्या? तो वो कैसे है? ए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो हर्षल तुम कई बार. इस सर्कल का सेंटर क्या है? माइनस g माइनस f. g क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ x / 2 एंड f क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y / 2 और आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है. यस सर. और सर वो नीचे अपन वो x square और y square से डिवाइड कर दोगे कि फिर वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर तुमसे ये बोला जाए कि 2x square plus 2y square minus 4x plus 6y minus 5 तो इसके सेंटर को पॉइंट करने के लिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, होमवर्क में इन चैप्टर 1, 2, 3 पहले मैंने किसी को बताया तो बताना पहले कहां तक बताया था होमवर्क. I see one full, I see two, one to five, eight to fifteen. Okay, okay. तो अभी इन चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर सकते हैं एंड एक्सरसाइज 1 में देखता हूँ एक बार. एक्सरसाइज 1 में कितना कर सकते हो? ठीक है, ये अपन जो अपनी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को डाउट क्लास होगी तो मंडे को डिस्कस कर लेंगे. चलो ओके बाय.